बच्चों, ऑनलाइन क्लास में फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं के हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक भारत की खोज का संक्षिप्त रूप का अध्ययन करेंगे। भारत की खोज नेहरू जी की पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी रूपांतर है। तो हम सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू के विषय में कुछ जान लें। ऐसे तो आप लोग को पता ही होगा कि हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 को ब्रिटिश भारत में इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता मोतीलाल नेहरू एक धनी बैरिस्टर जो कश्मीरी पंडित समुदाय से थे। उनके 3 बच्चे थे जिनमें जवाहरलाल नेहरू बड़े थे और उनकी 2 छोटी बहनें थी। उन्होंने अपनी शिक्षा लंदन से पूरी की थी। उन्होंने अपनी लॉ की डिग्री कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पूरी की। इंग्लैंड में उन्होंने 7 साल व्यतीत किए। उसके बाद वो 1912 में भारत लौटे और यहाँ आकर उन्होंने वकालत शुरू की। 1916 में उनकी शादी कमला नेहरू से हुई थी। सच्चे अर्थों में नेहरू जी आधुनिक भारत के निर्माता हैं। उन्होंने महात्मा गांधी की अगुवाई में आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय भाग लिया और सन 1947 में अंग्रेजों की गुलामी से देश को आज़ाद कराया। वे सन 1947 से 1964 तक प्रधानमंत्री रहे। भारत के अलावा उन्हें दुनिया भर में एक ऐसे धर्मनिरपेक्ष मानववादी राजनीतिज्ञ के रूप में जाना जाता है जिन्होंने विश्व शांति और समाजवादी आदर्शों के लिए जीवन भर आवाज बुलंद की। वे एक अच्छे राजनेता होते हुए भी एक बहुत अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं। उनकी पुस्तकों में विश्व इतिहास की झलकियाँ, आत्मकथा और भारत की खोज को क्लासिक का दर्जा हासिल है। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में 1944 में अहमदनगर के किले में अपने 5 महीने के कारावास के दिनों में लिखा था पुस्तक रूप में भारत की डिस्कवरी ऑफ इंडिया प्रकाशित हुई 1946 में। इस पुस्तक में उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर भारत की आज़ादी तक विकसित हुई भारत की बहुविध समृद्ध संस्कृति, धर्म और जटिल अतीत को वैज्ञानिक दृष्टि से विलक्षण भाषा शैली में बयान किया है जिसका कुछ अंश हमारे इस भारत की खोज पुस्तक में है। अल्बर्ट आइंस्टीन के शब्दों में इस पुस्तक से एक महान देश के गौरवशाली अतीत और आध्यात्मिक परंपराओं की समझ हासिल होती है। 6-7 दशक पहले लिखी गई यह पुस्तक आज भी उन सभी के लिए प्रासंगिक है जो इस महादेश के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास को एक ऐतिहासिक क्रमबद्धता में जानना समझना चाहते हैं। ये तो फिर नेहरू जी की बातें। अब हम
प्रथम अध्याय में आते हैं, जिसका नाम है अहमदनगर का किला। इस अहमदनगर के किला में नेहरू जी जेल में बंदी थे, क्योंकि उस समय स्वतंत्रता की लड़ाई में ये भाग ले रहे थे और अंग्रेज किसी भी समय इन्हें बंदी बना लेते थे। तो अहमदनगर के किले में जिस समय रहे, वो नेहरू जी की 9वीं जेल यात्रा थी। उस समय वह जेल में अकेले रहकर क्या करते, वो अपने कमरे में बैठे हुए थे और उनके वहाँ पे कोई भी नहीं था, तो उन्होंने एक किताबें लिखना शुरू किया जिसमें भारत की संपूर्ण जानकारी विदित हो। जब वो वहाँ पहुँचे तो अंधेरे आकाश में अपने खिड़की से देखे कि दूज का चांद वहाँ दिखाई दे रहा है। तो अब उन्हें ज्ञात हुआ कि यह शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका है। तब से वो हर बार चांद को देखते थे और उसी से वो उन्हें जानकारी प्राप्त होती थी कि अभी कौन सा पक्ष चल रहा है, कौन सा समय चल रहा है और किस उनके कारावास का कितने समय बीतता जा रहा है। इस प्रकार उन्होंने चांद को अपने बंदी जीवन का साथी बना रखा था कि, और वो इससे ये भी साबित करना चाहते थे कि चांद उन्हें याद दिलाता था कि हर अंधेरे के बाद उजाला होता है। धन्यवाद, आज के लिए इतना। हम अगले क्लास में और आगे की पढ़ाई करेंगे।